नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हरमन क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी की अपनी एक क्लास करने चल रहे हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें शब्द को हमको क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। और ये बहुत ही इजी है, कुछ आपका सेंटेंस दिया रहेगा, उसको अंडरलाइन किया रहेगा और उसके बाद उनके कुछ विकल्प दिए रहेंगे, उसको रिप्लेस करना है, ऐसा इसमें हमें क्वेश्चन करना है। और ये बहुत ही आसान होता है, एक शिफ्ट में अमूमन 2 से 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है। कितना? 3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा गया है और ये बहुत ही आसान होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपनी राय दें, हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि सब लोग अपनी राय दें। यहाँ अपनी के नीचे अंडरलाइन है, क्या ये सेंटेंस हमारा सही है या हमको रिप्लेस करना है उनकी से, सब लोग उनकी राय दें ये सही है, या सब लोग अपनी अपनी राय दें ये सही है, या फिर सब लोग इनकी राय दें ये सही है, या इसमें किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब यहाँ एक वचन होता सब जगह सब लोग ना होता, एक वचन होता, तब ये सही था। जैसे तुम अपनी राय दो या हम अपनी राय दें, तो ये सही है। लेकिन अगर कह रहा है सब लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपनी अपनी राय दें, यानी विकल्प नंबर इसका बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि हम भोजन खाते हैं ये सही है। यहाँ पे क्या है कि खाते के नीचे अंडरलाइन है और हमें इसे रिप्लेस करना है, या इसमें हमें किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो क्या होगा, हम भोजन खाते हैं या हम भोजन करते हैं, तो क्या होगा, हम भोजन करते हैं, हम भोजन लेते हैं, हम भोजन पाते हैं, ये सब नहीं होगा। यहाँ पे होगा हम भोजन करते हैं, यानी विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। तो जब भी आप पत्र लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, आपसे मेरा सविनय निवेदन है, क्या लिखते हैं, सविनय निवेदन है। जब भी आप पत्र लिखते थे, मान लीजिए छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखते थे, तो वहां पे क्या लिखते थे, आपसे मेरा सविनय निवेदन है, सविनय पूर्वक निवेदन नहीं, क्या लिखते थे, सविनय निवेदन है, यानी विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, श्याम बेटे को पत्र लिखा, वैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए, श्याम बेटे को पत्र लिखा, यानी शाम यानी जो संध्या वाला होता है, अगर उससे देखें तो शाम को बेटे को पत्र लिखा, या शाम ने बेटे को पत्र लिखा, या शाम से बेटे को पत्र लिखा, या इसमें किसी प्रकार की बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ये मान ले कि शाम बेटे को पत्र लिखा, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपका बताइए, इसमें से आपका सही ये हो जाएगा। देखिए शाम को यहाँ पे आप श्याम मानिएगा, यानी कोई आदमी है, तो जब आदमी रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्याम ने बेटे को पत्र लिखा, तो क्या सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। शाम अगर जो यहाँ पे है, अगर इसे हम समय लेते, जो ये आपका शाम है, अगर इसको हम क्या लेते, समय लेते, इसको समय मानते, जब समय मानते तो क्या होता, शाम को बेटे को पत्र लिखा, तो आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या माना जा रहा है, शाम को एक पुरुष माना जा रहा है, तो जब पुरुष वाचक रहेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, कर्ता कारक का साइन हो जाएगा, यानी शाम ने बेटे को पत्र लिखा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, क्या है, उसका भाई सेक्रेटरी है ना, यही तो होगा, सेक्रेटरी लगा हुआ है या सेक्रेटरी लगता है, ऐसा तो सेंटेंस सही नहीं है। सेंटेंस सही यही होगा कि उसका भाई क्या है, सेक्रेटरी है, यानी विकल्प नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेक्रेटरी लगता है यानी वो सेक्रेटरी है नहीं,
जी हाँ वो सेक्रेटरी है, तो यहाँ लगने का कोई सवाल ही नहीं होता, सेक्रेटरी लगा है ये भी शुद्ध सेंटेंस नहीं है। क्या होगा? उसका भाई सेक्रेटरी है, ये शुद्ध शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। परिश्रम करेगा वह क्या होगा? सफल होगा। ये श्रम ऐसे होगा, तो यहाँ पे अंडरलाइन जो शब्द है, प्राचार्य ने हमको समझाया कि, जैसे कहीं पे हम शब्द कोई कहते हैं या समझाते हैं, जैसे उसने कहा कि और मैंने समझाया कि, तो वहां पे क्या होता है, छोटी ई की मात्रा लगती है। क्या लगती है? छोटी ई की मात्रा। तो वैसे ही पता चल जाएगा कि ये शब्द यहाँ पे क्या है, गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, प्राचार्य ने हमको समझाया या कि प्राचार्य ने हमें समझाया कि, तो क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, प्राचार्य ने हमें समझाया कि, हमको नहीं होगा, हमें समझाया कि होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी भी देश की संपत्ति, ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो देखिए क्या ये वाक्य आपको देखने में शुद्ध लग रहा है, पढ़ने में ही सही नहीं लग रहा है, तो वाक्य कहाँ से शुद्ध होगा? तो इसमें क्या हो सकता है कि किसी भी देश की संपत्ति, ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं, या फिर आपका ऑप्शन ए सही होगा, उस देश के आदर्श विद्यार्थी, ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी, किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या उस देश में आदर्श विद्यार्थी, तो क्या होगा? देखिए ऐसे वाला हटा दीजिए और ऑप्शन सी भी हटा दीजिए, किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए देखिए, ए कह रहा है उस देश के आदर्श विद्यार्थी, तो एक बार मिला के पढ़ लीजिए, किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं, या फिर उस देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं, नहीं, उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं, यानी 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा, मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा, तो इसमें क्या सही होगा? एक चीज ये याद रख लीजिए कि जब यहाँ पे आपका जो लिंग होगा वही आपकी क्रिया यहाँ पे होगी। तो देखिए मोरनी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ की क्रिया भी क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। तो ये इसे क्या होना चाहिए था, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, क्या होगा, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए, मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी, मोर अथवा मोरनी दिखाई गए, ये तो बिल्कुल इससे फिट नहीं बैठ रहा है, मोर अथवा मोरनी दिखाई देगा, या इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग के अनुसार इसे चेंज करना है, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। गले में कौन सी बेड़ियां पड़ती हैं? गले में तो पट्टा पड़ता है, और पराधीनता या गुलामी की जो बेड़ियां पड़ती हैं वो कहाँ पड़ती हैं? पैरों में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? पैरों में पड़ती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अपना दोष दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो? अपना जो दोष है दूसरों के सिर जड़ा नहीं जाता, क्या किया जाता है? मढ़ा जाता है, यानी मढ़ते हो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 11 है, मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। जी नहीं, सुखी जीवन की क्या की जाती है? कामना की जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो क्वेश्चन है प्रतिस्थापन वाले, ये प्रत्येक सेट में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन, और बहुत ही आसान है, इसे धैर्य पूर्वक करिए, 3 नंबर आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं, इसमें गलती क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो आपको गलत देखना है, इसमें दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं ये देखना है, तो इसमें जो गलती हुई है आपका करण कारक हुई है, क्या हुई है? ये कारक में गलती हुई है, में नहीं,
जब किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो वहां क्या प्रयोग किया जाता है, द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा? दूरभाष यंत्र द्वारा। जब भी किसी यंत्र या वस्तु का प्रयोग किया जाता है जो निर्जीव होती है तो वहां क्या प्रयोग किया जाता है, द्वारा, जैसे साइकिल द्वारा, चाकू द्वारा, मोटर गाड़ी द्वारा, तो यहाँ पे दूरभाष यंत्र द्वारा ऐसे प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद अगला है कि इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। तो देखिए ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले आप ये जान लीजिए, इस सेंटेंस को सही करने का जो सही तरीका होता है ये होता है कि सेंटेंस हमें पढ़ने में अच्छा लगे, तब वो अपने आप सही हो जाएगा। तो देखिए इटली की राजधानी रोम दिल्ली भी इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया नहीं। दिल्ली एक, ये जो है आपकी क्या है, स्त्रीलिंग है। दिल्ली जो है यहाँ से ये स्त्रीलिंग है, जब स्त्रीलिंग है तो यहाँ की जो क्रिया होगी वो भी क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। तो दिल्ली भी कई बार उजाड़ी और बसाई गई। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, दिल्ली भी कई बार उजाड़ी और बसाई गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। यहाँ पे गलती हुई है जो, वो स्पर्धा की है। स्पर्धा दो लोगों या बहुत सारे उसमें जो प्रतियोगिता होती है उसके लिए स्पर्धा का यूज किया जाता है। रिश्तों में तुलना की जाती है, क्या किया जाता है, तुलना। तो सिर्फ आप स्पर्धा हटा दे उसके बाद आपका सही हो जाएगा। स्पर्धा की जगह पे क्या कर दीजिएगा, तुलना कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे आपको देखना है क्या गलत है या नहीं। देखिए जो पुरस्कार पे यहाँ पे ये लगा है अंडरलाइन, ये पुरस्कार सही लिखा है। जब पुरस्कार सही लिखा है तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किसी बदलाव की आवश्यकता इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर जब 16 आप देखेंगे तो इसमें कह रहा है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। ये सेंटेंस अच्छा लग रहा है? जी नहीं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, क्या रहेगा, चर रहे हैं, चर रहे हैं, ऐसे बनना चाहिए। जो यहाँ पे आपका घोड़ा है, दो घोड़े, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या रहेगा, चर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, खरगोश निरीह पशु है। तो देखिए इसमें निरीह पे लगा है, तो जो इसमें है इसमें मात्रा की त्रुटि है, क्या है, मात्रात्मक त्रुटि है। निरीह जो शब्द आपका लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर सी की तरह, खरगोश निरीह पशु है। तो दोस्तों आज हिंदी में बस इतना ही। ये समझ लीजिए कि जो ये हिंदी की आपकी प्रतिस्थापन यानी शब्दों का प्रतिस्थापन का जो ये क्लास थी, इसमें ये आपके प्रत्येक सेट में तीन तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ही आसान है। ये 3 नंबर लाना आपके लिए बहुत ही आसान है, बस आप ऐसे क्लास देखते जाइए। और जो भी ये हमने क्वेश्चन कराए हैं ये सब आपके 2021 के क्वेश्चन है।